कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। मंगल सूत्र वाले बयान पर शोर अभी थमा भी नहीं था कि मंगलवार को बात हनुमान चालीसा तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने आरोप लगा डाला कि कांग्रेस के राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना ही गुनाह बन गया है, आस्था का पालन भी मुश्किल हो गया है। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए, अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। प्रचार का मंच राजस्थान का था, पीएम मोदी ने कर्नाटक का उदाहरण दिया, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए था। विपक्षी दलों के राज में हिंदू आस्था पर खतरे की बात सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं कह रहे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी पिच पर बैटिंग करते नजर आए। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी सरिया कानून लागू करेंगे। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान रविवार को दिया था, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर तंज किया गया था। विपक्ष इस पर हमलावर है तो बीजेपी और भी आक्रामक। एबीपी न्यूज से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जवाबी सवाल दाग दिया। पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है? बात निकली है तो दूर तलक जा रही। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक पोस्ट भी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर मौर्य ने लिखा, 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के बयान की चर्चा की। प्रधानमंत्री जी का बयान तुष्टिकरण वाला नहीं, संतुष्टिकरण वाला है। इस बीच अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली पर बड़ी टिप्पणी कर दी। रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे, ये कैसे चल सकता है? बीजेपी की तरफ से किए जा रहे इन तीखे हमलों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। द बीजेपी इज ऑन अ बैक फुट, द रियल कोर इश्यूज ऑफ पीपल मैटर। By distracting the people and talking about contentious issues, divisive issues, will not yield any benefits. The speeches of the BJP leaders is also very alarmist. राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली से यूपी तक इस जुबानी संग्राम ने चुनावी तपिश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।